चलिए दोस्तों, मैं साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग क्या होंगे, ठीक होंगे। कल जो हमने परसेंटेज क्या किया था, परसेंटेज में हमने परसेंटेज क्या किया था, याद किया था। तो परसेंटेज हम कहाँ तक याद किए थे, 1 से 16 तक याद किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि आप 1 से लगा के 25 तक क्या करेंगे, परसेंटेज याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे, 1/2, 1/3 से 1/25 तक याद करेंगे। तो कुछ जो मोस्ट परसेंटेज है जिन्हें हमें याद रखना है वो आप देख लीजिए। एक बार आपका रिवीजन होगा, 1/3 कितना प्रतिशत होता है, 33 सही 1/3 प्रतिशत। 1/6 कितना प्रतिशत होता है, 16 सही 2/3 प्रतिशत। 1/7 कितना प्रतिशत होता है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। 1/8 कितना प्रतिशत होता है, 12 सही 1/2 प्रतिशत, यानी 12.5 प्रतिशत। 1/9 कितना प्रतिशत होता है, 11 सही 1/9 प्रतिशत। और 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11 प्रतिशत। इसके बाद आएंगे आप तो 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7 प्रतिशत। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1/15, 1/15 को प्रतिशत में बदलोगे कितना प्रतिशत होता है, 6 सही 2/3 प्रतिशत। क्या करना है, 15 का 100 में भाग देना है, 15 छक्के 90, क्या बचा, 15 छक्के 90। ऐसे ही क्या करोगे, 1/16, 16 छी 96, 1/4 प्रतिशत। तो यहाँ तक आपने याद कर लिए थे, आराम से आप लोगों को याद करा दिए गए थे। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से भी देख सकते हैं। अब आपको निकालना है कि आप परसेंटेज निकालेंगे कैसे। जैसे आपको दिया जाए कि 20-50 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें आपको ये देखना है कि आप इसमें 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो बेस किसे मानोगे, तो इसमें आप बेस देखेंगे। बेस कैसे देखेंगे, बेस में देखेंगे आप हाउ मेनी, यानी कितना परसेंट, हाउ मेनी कितना परसेंट, और व्हाट परसेंट यानी क्या प्रतिशत होगा, ये कितना में निकालेंगे आप। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे वैल्यू आपको ऐसे निकालना है कि सबसे पहले आप ऊपर रख देंगे क्या वैल्यू, और नीचे रखेंगे आप बेस, बेस रखेंगे नीचे क्या, आधार, नीचे आप आधार रखेंगे और इंटू कर देंगे आप 100, इससे आपका जो प्रतिशत होगा वो आ जाएगा। तो इसमें आप कैसे निकालते हैं, इसमें निकालेंगे आप का, यानी जिस भी संख्या के बाद का लगाओ, से लगाओ, यानी फ्रॉम एंड ऑफ एंड दे ये लगाओ, तो आप इसे बेस मानेंगे। अब यहीं पे आप देख सकते हैं क्या होता है, आपसे इसके बाद पूछ लेता है वो कि लेस परसेंटेज, यानी कमी क्या होती है प्रतिशत में। लेस परसेंटेज के बाद वो आपसे पूछ लेगा कि मोर परसेंटेज, यानी कम प्रतिशत, इसके बाद अधिक प्रतिशत, यानी मोर परसेंटेज। तो ये पूछेगा आपसे अधिक प्रतिशत, कितना अधिक है या कितना कम है। इसके बाद आ जाइए आप, इसके बाद पूछेगा वो इंक्रीज, इंक्रीज प्रतिशत यानी वृद्धि प्रतिशत, क्या पूछेगा, वृद्धि प्रतिशत, अधिक प्रतिशत, कम प्रतिशत। इसके बाद पूछेगा वो डिक्रीज, क्या पूछेगा आपसे, डिक्रीज प्रतिशत, डिक्रीज प्रतिशत यानी कमी प्रतिशत, कमी या घटता हुआ प्रतिशत। तो ये पूछ लेगा आपसे, इसमें पूछ लेगा, तो इसमें आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लिखोगे डिफरेंस, डिफरेंस ऊपर लिखोगे, क्या लिखोगे, डिफरेंस बटे क्या करोगे, बटे में आप ले आओगे क्या बेस, बेस यानी आधार, इंटू कर दोगे 100। अब डिफरेंस यानी क्या है, ये आपका है अंतर, यानी जो प्रतिशत में अंतर कितना है। यही पूछ लेता हो कि 20-50 से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तब आप अंतर निकालते। तो ये आपके ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा है कि 20-50 का, किसका, 50 का कितना प्रतिशत है,
पचास एकम पचास, पचास दूनी सौ, बीस दूनी चालीस, कितना प्रतिशत है? 40% है। ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो वो आप लोग करेंगे और आराम से करते जाएंगे। अब आपको परसेंटेज में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों, ये कुछ आपके लिए क्वेश्चन है। 50 20 का कितना प्रतिशत है? 20 50 से कितना प्रतिशत कम है? 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? ए प्रतिशत का बी, बी प्रतिशत का ए। तो इसे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 50 20 का कितने प्रतिशत है, यानी जो 50 है आपका किसका, 20 का, क्या लगा है, का लगा है, का लगा है तो क्या कर दोगे, गुणा, यानी किसका, 20 का, किसके बाद 20 लगा है, आधार किसे मानोगे, 20 को। तो 20 पंचे 100, 50 25 कितना आ गया, 250 प्रतिशत है। ये आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद आएंगे कि 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, किससे कम है, 50 से, 50 क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, 50 में से 20 कर दोगे माइनस तो क्या आ जाएगा, 30 गुणे 100, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, कितना आ गया, 60 प्रतिशत कम है। 20 30 से, 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, 60 प्रतिशत कम है। 20 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, अब जो 50 है किससे, 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अब 50 में से 20 माइनस कर दोगे कितना प्रतिशत अधिक है, 30 प्रतिशत, यानी 30 अधिक है, कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो 30 अधिक है इंटू क्या कर दोगे, 100, तो 20 पंचे 100, 5 किया 15, कितना अधिक है, 150 प्रतिशत अधिक है। अब यहां पे आइएगा आप, ए ए प्रतिशत लगा, प्रतिशत हटाओगे बटे आ जाएगा 100 गुण, का लगा है, का मतलब ही क्या होता है, ऑफ यानी का मतलब गुणा, सबसे पहले बी, ऐसे यहां पे लगा है तो बी बटे 100 इंटू ए। अब इसके बाद वो आपसे पूछ ले कि 65%, अब यहां पे देखिए यहीं पे आपसे वो कह दे कि 65% का, 65% का मान लीजिए कि 20 क्या होगा, 65% का 20 क्या होगा, तो 65% का 20 कैसे निकालोगे, सबसे पहले 65% हटाओगे 100 इंटू क्या लगा है, 20, तो 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 दिया 15, क्या होगा 13, 65% का 20 13 होगा। तो ये ऐसे आप लोग कर सकते हो। देखिए बेस किसे मानना है, बेस यहाँ पे क्या माना, 20 को बेस माना, यहाँ पे आपने 50 को बेस माना, यानी जहां पे आपका से लगा होता है किससे, 20 से, जिससे, जिसका, जहां पे से का लगा होता है उसी को आप क्या मानते हो, आधार मानते हो, ये हमने अभी आपको बताया है। तो इसके आगे आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये कर देता हूँ रफ, इसके बाद आप लोग साफ कर देता हूं और दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। इसे आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा और नोट करते जाइए। अब देखिए इसके बाद वो कह रहा है कि 84% का 25%, 84% का 25% क्या होगा, और यहीं पे आपसे पूछ ले, और यहीं पे आपसे, ये आपने नोट कर लिया होगा, यहीं पे आपसे पूछ ले वो, यहीं पे आपसे पूछ ले कि 25% का 84 क्या होगा, यहां पे पूछा है 84% का 25%, और यहां पे पूछा है आपसे कि 25% का 84%, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 84 लिख दोगे, प्रतिशत लगाया प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा इंटू, यहां पे क्या कर दोगे गुणा, 25 लिख दोगे प्रतिशत हटाओगे बटे में क्या आ जाएगा गुणा, तो 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 गुनी 8, 4 एकम 4, तो क्या आ गया आपका 21 बटे 100, 100 लगा है प्रतिशत में बदल दोगे क्या कर दोगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 21%, या 21% मान लीजिए, 21 बटे 100 मान लीजिए।
इसके बाद आपसे पूछा है कि 25% लगा है, नीचे कर दोगे 100 × 84, 25 × 100, 4 से काट दीजिए कितने बार जाएगा 21 आ गया। तो ऐसे भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे कहीं से भी पूछ ले, इसके बाद आपको क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, चलिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आप लोग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है वो आपकी क्वेश्चन में, यदि ए का 80% बराबर बी के 50% के क्या है, बराबर है, और बी बराबर ए का एक्स प्रतिशत है, तो एक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न आपको सेम दिया है, यदि P का 50% बराबर Q का 25%, दोनों क्या है, बराबर है, तो P बराबर Q का X प्रतिशत है, तो X का क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, देखिए उसने कहा क्या है कि A का 80%, A का 80% प्रतिशत हटाओगे बटे में आ जाएगा 100 बराबर, B का कितना कर दोगे, B का 50% के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे बराबर है तो 100 से 100 काट दीजिए, बिंदी से बिंदी काट दीजिए। अब यहाँ पे हो गया क्या, हो गया 8a बराबर 5b। अब b को इसके नीचे ले आइए और 8 को इसके नीचे ले जाइए, ये हमने आपको रेशियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा, 5/8। लेकिन इसके बाद उसने कहा क्या है कि जो b बराबर a का क्या है, x प्रतिशत है। इसके बाद उसने कहा है आपके कि जो b बराबर a का x प्रतिशत, एक का क्या है, x प्रतिशत बटे 100, प्रतिशत हटाओगे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको ले जाइए इस साइड, इसको ले जाइए इस साइड, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 100। अब 100 अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ से 100 कट जाएगा। तो आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या करना है, b अपॉन a, तो b, b का मान क्या है, b का मान है 8, a का मान क्या है 5 × 100, तो 20 × 5 = 100, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 8 × 16 = 160, x बराबर क्या आ गया आपका, 160। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, आंसर। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन आप कीजिए, सेम ऐसा ही है, और क्लास को देखते रहिए, बने रहिए, आराम से समझते जाइए क्वेश्चन, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इसके बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन करें, आप लोग कर सकते हैं आराम से। ये पहला क्वेश्चन था आपका जो आपको सॉल्व करा दिया गया है, इसके बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन करिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, आप लोगों ने कर लिया होगा, इतना टाइम छोड़ना देना है, सरल सरल से क्वेश्चन है अभी। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रहा है कि पी का 50%, पी का 50% बराबर क्यू का कितना, क्यू का 25%, दोनों क्या है, बराबर। अब परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 50 × 50, 50 × 100, तो क्या हो गया, 2p बराबर q, q इसके नीचे आएगा, तो p अपॉन q बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ये आपको रेशियो में मैंने बताया है। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि p बराबर क्या है, इसके बाद उसने कहा है कि p बराबर है वो q का x प्रतिशत है। अब q इस साइड ले आएगी, q इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p अपॉन q बराबर x प्रतिशत, तो p और q का मान क्या है, 1/2, 1/2 प्रतिशत हटाओगे इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 बराबर x, काट दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 50, ये आ गया आपका सी आंसर, आराम से कर सकते हो आप लोग। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कंफ्यूजन हो जाती है तो दिक्कत करते नहीं लगते हैं आपके लिए, लेकिन आपको दिक्कत नहीं करवाना है, इन्हें आराम से सॉल्व करें। और आपको बता दिया गया है कि बेस क्या मांगे, ये अभी सरल सरल से क्वेश्चन है, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसे करें। यदि ए का 60% बराबर बी का 30% क्या है, बराबर है,
बी का बी बराबर सी का 40% है और सी बराबर ए का 1% है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आराम से कर सकते हो, तो आप लोग करें और क्लास को पूरा देखें। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, पूरा क्लास को देखिएगा। देखिए आपसे कहा गया है कि ए का 60% बराबर बी का कितना है, बी का 30%, बी का 30%, ए का 60%, बी का 30%। इसके बाद कहा गया है आपसे कि जो बी है, बी बराबर सी का 40%, सी का 40%, आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये 30% है आपका। ये सब क्या है, ये बराबर है आपके, तो क्या करोगे, परसेंटेज परसेंटेज यहां से कट गया, तो क्या आ जाएगा यहां से आपका 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो क्या आ जाएगा 2a बराबर b। ऐसे ही आप यहां पे कर दोगे, इसमें आपके जो प्रतिशत आप हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, c इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा b अपॉन c बराबर बिंदी बिंदी, दो बार दो से काट दीजिए, 2 × 5, तो b अपॉन c बराबर क्या आ गया, 2/5। यहां पे क्या आ गया, बी को इस साइड लाइए तो बी ए अपॉन बी बराबर क्या हो गया, 1/2। तो यहां से 1/a/b का मान आ गया और b/c का मान आ गया। इसके बाद ये a/b ये क्या है आपकी, ये रेशियो है a अनुपात b बराबर 1:2 और b अनुपात c बराबर 2:5। अब a b c के बीच में आप लोग रेशियो नहीं निकाल सकते, रेशियो इतने आपको इतने बेहतरीन तरीके से सिखाया गया है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c के बीच क्या निकालना है, रेशियो, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2, और यहां पे b का मान कितना है 2, दूसरी रो में रखेंगे c का मान कितना है 5, तो रेशियो नहीं आ जाएगा आपका, क्या करना है 1:2:5। इसके बाद उसने आपसे कहा है कि जो c बराबर a है, जो c बराबर a है x का मान निकालना है, तो x प्रतिशत बराबर c बराबर a है, तो c अपॉन a आ जाएगा, यहां से प्रतिशत आप हटाओगे तो यहां पर आ जाएगा, और c अपॉन a क्या है, c का मान 5 है और a का मान 1 है, तो x बराबर 5/1 लिख दोगे इंटू 100, कितना आ जाएगा 500, तो x का मान कितना आ गया 500, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है, कितना आ गया 500 आ गया। आप लोग इसे आराम से कर सकते हो, तो आप लोग नोट कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपको, परसेंटेज में कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर जिसको भी दिक्कत हो तो वो डाउट कमेंट में बता सकता है आपको, ये कमेंट आप ही के लिए बनाया गया है कि किसी को कुछ डाउट होता है, पूछना होता है, तो इसी में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोफाइल में जाके अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप जो डाउट है आप वो उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बहुत ही आसान से सवाल है अभी आपके लिए, चौथा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो a b का कितना प्रतिशत होगा, a b का कितना प्रतिशत होगा, आप लोग इसे आराम से कर सकते हो, तो आप लोग करें इसे लगाएं और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। तो देखिए आप इसे कैसे करना है, आपको a प्लस बी का कितना है 15% बराबर a माइनस बी का कितना है 25%। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये बराबर में है, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, आप लोग काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए कितने बार जाएगा 3 बार, 5 से काट दीजिए कितने बार जाएगा 5 बार। अब 3 का आप अंदर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3a + 3b बराबर 5a - 5b। अब यहां से क्या करोगे आप, ये कर लीजिए आप 3 को इस साइड ले जाइए और b को इस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 3 और 5 8, 3 और 5, 5 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा 2 1, और यहाँ पे ये 8 आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 बी। अब ये काट दीजिए आप तो बी को यहाँ पे ले जाएंगे, बी को यहाँ पे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 4 बराबर a अपॉन b, इसके बटे में ए कर दीजिए। ये आ गया आपका ए और बी के बीच में रेशियो। लेकिन उसने पूछा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए किसका, बी का, ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी जो आपका ए है ये बी का आधा किसको मानोगे, बी को, कितना प्रतिशत है। तो यहां पे ए आपका क्या है, ए का मान तो आपका 4 है, बटे बी का क्या है 1 है, इंटू 100, कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका 400% है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का 400% है। तो ये आपको एक सरल आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आराम से करते जाएंगे, जिसको जहां भी समझ में नहीं आएगा वो बता सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी का 60% है तब 2a-3b/a+b का मान क्या होगा। ये इसका आपको मान निकालना है, आप लोग आराम से कर सकते हो तो करें, जल्दी से कर दीजिए इसे, और कमेंट में आप लोग आंसर दे दीजिएगा, चैट बॉक्स में भी आप लोग आंसर दे सकते हो। तो देखिए क्या कहना चाहता है कि a प्लस बी का कितना प्रतिशत, 40% बराबर a-b का कितना प्रतिशत, 60%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 किया 60, दो का अंदर गुणा कर दीजिए, 2a+2b=3a-3b। अब इसको ले आएंगे इस साइड, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा जब 3a+k और 2a इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या a, और ये माइनस का है और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 5b। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 5/1। इसके बाद उसने पूछा है आपसे कि 2a-3b/a+b का मान बताइए, तो इसका मान आप लोग आराम से निकाल सकते हो, क्या है 2a का मान कितना है 5-3b का मान कितना है 1/a का मान कितना है 5+b का मान कितना है 1, जोड़ दीजिए बराबर कर दीजिए, 5 2 10 -3/6। अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 7/6, आ गया आपका आंसर, कोई बड़ी बात, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ऐसे सवाल भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और वो आप ही लोग करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे और क्लास को शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों ये आप लोग दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6वां और 7वां आपको दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन में आपको एक में x का मान बताना है और दूसरे में b+a/b-a का मान निकालना है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन, तो आप लोग करें आराम से करते हैं, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन है आपका, p-q का 50% बराबर p+q का 30% और q/p का x% हो तो x का मान होता है, तो इसमें आप x का मान नहीं निकाल सकते, पहले तो आप करा दिया है, और इसके बाद आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि a का 120% b का 80% की क्या हो बराबर है, तो b+a/b-a का मान आपको ज्ञात करना है। पहले आप 6वां क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन देखिए, p-q का 50% बराबर p+q का 30% परसेंटेज से परसेंटेज काट दोगे, बिंदी से बिंदी काट दोगे,
क्या आ गया, पांच 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 अंदर गुणा कर दोगे 5p 5q बराबर 3p + 3q। अब यहां से क्या करोगे, p को इस साइड ले आओगे, p को इस साइड आएगा तो पांच में से 3p चला जाएगा, कितना p बचेगा, 2p बचेगा, और ये पांच यहां पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8q हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे, चार बार कट जाएगा तो p इसके नीचे आ जाएगा, p/q बराबर क्या हो जाएगा, 4/1। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है x बराबर क्या है, x बराबर इसको क्या ले आओगे, जिसको इसके नीचे लाओगे, जिसको इसके कहां लाओगे, नीचे लाओगे, तो q/p प्रतिशत यहां से हटा तो यहां पे आ गया। तो x बराबर क्या है, x बराबर q, q का मान कितना है 1, p का मान कितना है 4 × 100, 25 × 100, x बराबर कितना आ गया 25, आंसर बी। इसके बाद देखेंगे आप सातवां क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन में कहा है यदि a का 120% और b के 80% के बराबर है, तो यहां पे आप देखिए a का 120% बराबर किसके है, b का 80% के बराबर है, इससे इसे काट दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत तो पहले ही कट जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, 4 × 8 और 4 × 12, 3 का यहां पर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3a/2b, बी यहां पे आएगा और 3 यहां पे जाएगा, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 2/3। लेकिन इसके बाद उसने पूछा क्या है कि b+a और b-a का मान बताइए, तो b का मान क्या है 3 3+2, यहां पे क्या करोगे, 3+2 कितना हो गया 5, और 3 − 2 कितना हो गया 1, तो बराबर में क्या हो गया, इसमें से 1 बचा, ऊपर क्या बचा 5, तो आंसर क्या आ गया 5, सातवें का भी आंसर 5, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फेसबुक व्हाट्सएप पे ज्यादा घूमते रहते हैं, तो इन्हें भी आप लोग करें आराम से। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन कहा गया है, इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि 0.01 का कितना प्रतिशत है। इसके बाद आप आइएगा 9वां क्वेश्चन है, 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा, 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा, 1 घंटा 45 मिनट का समय 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा, 1 घंटा 45 मिनट का समय 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, बेस क्या लोगे, सबसे पहले बेस लोगे आप इसे, तो क्या कह रहा है 0.01 किसका, 0.1 का कितने प्रतिशत होगा। अब यहां से देखिए आप, यहां पे लगा है आपका 1 अंक बाद दशमलव, और यहां पे लगा है आपका 2 अंक 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो यहां पे 2 अंक बाद का दशमलव काटोगे दशमलव से, तो नीचे क्या होगा, बिंदी पड़ जाएगी, और का पूछा है कितना प्रतिशत होगा, और इसका आपको प्रतिशत निकालना है, इसमें कर देंगे आप बड़े 100, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा बराबर 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा है कि 1% का आधा दशमलव में क्या होगा। अब 1% का आधा तो आपका हो गया, लेकिन आपसे कहा है कि ये आप जो चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब जब 2 का 1 में भाग दोगे, पहले तो आप 100 रहने दीजिए, सॉरी पहली बात तो आप इसमें आप भाग दोगे, 1 में आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाओगे सबसे पहले, क्या होगा बिंदी बढ़ जाएगी, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, और बटे में अभी आपकी 2 बिंदी और है, बटे में क्या है 2 बिंदी और है, इसके बाद आप 2 बिंदी हटाओगे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव और लग जाएगा, यानी टोटल अंक कितने हो जाएंगे आपके 1, 2 और 3 अंक हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद 10वें क्वेश्चन में उसने कहा है कि 1 घंटा 45 मिनट का समय 1 दिन का कितना होगा, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60 + 45 मिनट जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 105 मिनट, क्या हो गया आपके 105 मिनट, और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं,
24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हर घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे यहां पे देख लीजिए 105 क्या था 105 ये आपके मिनट थे यानी एक घंटा 45 मिनट का एक दिन का कितना होगा एक दिन का तो बेस किसे लोगे दिन का जो लास्ट में होता है उसी को बेस लेते हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। अब इसे आप काट लीजिए कितने से कट रहा है अगर आप 15 से काटेंगे तो ये 15 चौके 60 15 छक्के 90 और 15 एकम 15 छक्के 90 और 15 एकम 15 15 छक्के 90 बचा एक और 15 एकम 15 ये क्या बचा आपका 61 बटे ये बचा आपका 61 बटे 61 बचा। इसके बाद आप गुणा कर देंगे किसका 100 का तो 100 से इससे काट दो कितने बार जाएगा 25 बार। अब 25 का आप इसमें गुणा करोगे 25 का गुणा किसमें करोगे इसमें करोगे तो 15 छक्के 90 15 सत्ते 105 यहां पे 105 आएगा तो सीधे आप क्या कर लोगे इसका गुणा इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा 175 बटे 24 ये आप कैलकुलेशन देख लेना। तो इसे आप काटोगे 24 का इसमें भाग दोगे कितने बार जाएगा 7 बार 7 बार जाएगा 164 164 इसके बाद बचेगा क्या 292 ये प्रतिशत आ गया ये आ गया आपका तो आप लोगों को यह सही करना है कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं चेक कर लेना कैलकुलेशन कहीं भी। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो देखो आपको शेयर करना है और आराम से पढ़ते जाना। पहला पार्ट पढ़ा था ये हमारा दूसरा पार्ट है परसेंटेज का। पहले पार्ट में आपको कराया था परसेंटेज याद कराया था जैसे 1/3 को परसेंटेज में बदलोगे क्या होता है और ये आपसे परसेंटेज पूछ लेता है आपसे पूछ लेगा होगी आपको दे देगा होगी 31.25 ये क्या होता है तो आप निकाल नहीं पाओगे दिक्कत हो जाएगी। ये क्या होता है 3/16 ये आपको कल हमने अच्छे से याद कराया था जिसने पहला पार्ट नहीं देखा सबसे पहले वो पहला पार्ट देखा इसके बाद वो दूसरा पार्ट देखेगा। और क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे लाइक करेंगे। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद जय भारत।